सारे बशारत साहब थे, इससे पहले तारिक साहब ने ज्वाइन किए एक ऑर्गेनाइजेशन मजबूती के लिए, जो आगे आपने देखा है डिलिमिटेशन कमीशन का एक फाइनल नाका सामने आया हुआ, इसलिए बात जैसे आपने देखा टंगमरा का 20,000 वोट इस खिते में आया है। आहिस्ता आहिस्ता हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सफों को मजबूत करें, ताकि आगे तो अब आने वाला होगा इलेक्शन, अब ये पता नहीं है कब इलेक्शन होंगे, लेकिन एक अपनी तंजीम को तंजीमी हिसाब से मजबूत करें, ये उसकी एक मुहिम चल रही है। आज आप शांगत से भी देख रहे हैं, लोग शांगत से भी आए हुए हैं, अभी आप काजीगुंड से आए हैं, आपके बाद हम सबके साथ बात करेंगे। सरकार को देखना चाहिए कि इनमें कौन से ये ऐसे अनासर हैं जो ऐसे ऑर्डर निकालते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती है निकालने की। एक बाजाबता हुकुम नामे में ये लोग लगे हुए हैं, एक स्कीम के तहत लगे हैं, कोई 5 साल बाद परमानेंट होंगे, कोई 7 साल बाद। अब इन्होंने कन्फ्यूजन उठाया था, दे शुड क्लैरिफाई कि जिस स्कीम में जो लगा है ही विल बी उसको परमानेंट उसी स्कीम में किया जाएगा, बाकी अगर वो इन दी मीन वाइल डिफ्रीज करके नए लोगों को लगाना चाहते हैं, उन जो पुराने लोग हैं उनके लिए नए पोस्ट क्रिएट करें। कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज जो नई सरकार आएगी उसको यूथ को एड्रेस करना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी जमन में मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ इस बच्चे को जो कल ही सिलेक्ट हुआ है। आज रोज़ हम देख रहे हैं हर जगह यूथ हमारा डिफरेंट स्पोर्ट्स में आगे आ रहा है। कल दो सेक्शंस में उन्होंने बर्तरी हासिल की जिनमें कभी जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट नहीं करता था। अच्छी चीज़ है, क्योंकि ड्रग से जितना हम इनको खेल की तरफ लगाएं, ड्रग से दूर रहेंगे, यूथ इज द मेजर चैलेंज, सबको हमें यही देखना है। इसी जीवन में हम सरकार को भी कहते हैं कि ये जो ऑर्डर आप निकालते हैं फजूल ऑर्डर, जिससे आप यूथ को परेशान करें ये ना करें।